हेलो कैसे हो आप सब लोग आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज और आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है इंटरनल रूल्स ऑफ कंपनी है गाइडलाइंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर चार्टर ऑफ क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा देखिए यहाँ पर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तो यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है चार्टर ऑफ द कंपनी अब ये चार्टर ऑफ द कंपनी क्यों है क्योंकि इसके अंदर सभी लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं कंपनी से रिलेटेड वो सारी मेंशन होती हैं जैसा कि आप सबको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम क्लॉज की बात करते हैं इसके अंदर सिक्स क्लॉज को मेंशन किया जाता है जो कि इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं जैसे कि नेम क्लॉज ऑफिस क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज लाइबिलिटी क्लॉज कैपिटल क्लॉज एसर्सन क्लॉज ये सारे क्लॉज इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं इसलिए इसको चार्टर ऑफ दी कंपनी कहा जाता है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इसका फोर राइट आंसर हो जाएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है डायरेक्टर्स टू फर्स्ट ऑल अ नोटिस का जो डायरेक्टर होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिस है वो कितने टाइम पहले वहां पर देना होगा कि हम आपके शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं बताइए पंद्रह दिन पहले जब उसका अमाउंट ड्यू है उससे और साथ में इंटरेस्ट भी या फिर ट्वेंटी डेज या ट्वेंटी ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपको दिखने में बड़ा लग रहा है और फिर इसका अच्छे से आंसर करिएगा क्या लगता है आपको क्या होगा आंसर देखिए जब कभी भी आ, कोई भी शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है अमाउंट को तो वहाँ पर उनके शेयर को फॉरफिच कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा अब वहाँ यहाँ पर डायरेक्टर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो किसी भी शेयर को फॉरफिच कर रहा है तो उसको वहाँ पे फोर्टीन डेज पहले उसको एक नोटिस देना पड़ता है जो भी उसका ड्यू अमाउंट है उसके फोर्टीन डेज तक वेट करके कि हम आपका ये शेयर को फॉरफिच कर रहे हैं साथ में इसके साथ वो उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा फोर राइट right आंसर हो जाएगा डेज टू पे द अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर इसमें इंटरेस्ट क्या होती है एड हो जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी अब आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर बताने हैं प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के लिए टू ट्वेंटी टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड या नीज बताइए देखिए ये हमारा सेक्शन टू सबसेक्शन सिक्सटी एट ऑफ द दू थाउजेंड थर्टीन में डिफाइन किया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल इसमें सब्सक्राइब बताई गई होगी इतनी है और साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर ये सारे डिफाइन किए गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे बात की गई है मैक्सिमम नंबर की तो मैक्सिमम नंबर इसमें डिफाइन किए गए हैं टू ठीक है और अगर हम हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए द पर्सन हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड बताइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं कंपनी का तो वो कौन पर्सन है जो इसको साइन करता है शेयर होल्डर साइन करेगा डायरेक्टर करेगा सब्सक्राइबर्स करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के या फिर प्रमोटर करेगा बताइए देखिए याद रखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो भी साइन करता है वो हमेशा फर्स्ट शेयर होल्डर होता है जिसको हम सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा हमेशा जो फर्स्ट शेयर होल्डर होता है कंपनी का वो इसको साइन करते हैं प्राइवेट कंपनी के, के केस में मिनिमम दो सब्सक्राइबर होने चाहिए वहीं हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम वहाँ पे सेवन का क्राइटेरिया दिया हुआ है तो प्राइवेट के, के केस में कितने हैं आपके दो और पब्लिक के केस में आपके हैं सेवेंट ठीक है तो इस चीज को याद रखिए वो यहाँ पर एमओए को साइन करेंगे नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटसाइड डीलिंग विद द कंपनी इन गुड फेथ द राइट टू प्रेशर दैट द कंपनी हैज ड्यूली कंप्लीटेड ऑल द फॉर्मेलिटीज इज द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ इन डोर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर वायरस देखिए यहाँ पे प्रेशर की जगह ना प्रिज्यूम कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ये इसका मीनिंग गलत निकल रहा है प्रिज्यूम यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब कभी भी कंपनी के साथ आउटसाइडर्स डील करेंगे तो वो ये सोच कर डील करते हैं ये गुड फेथ के साथ डील करते हैं कि कंपनी ने पहले से ही सारी फॉर्मेलिटीज जो, जो हैं वो फुलफिल कर ली हैं तो ये किस प्रिंसिपल में बताया जाता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है इंडोर मैनेजमेंट इंडोर मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि आउटसाइडर जब भी कंपनी के साथ डील करेंगे तो वो इस फेथ के साथ डील करेंगे कि कंपनी ने ऑलरेडी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया है नेक्स्ट देखिए द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस कवर्स एक्ट विच आर अब डॉक्ट्राइन अल्टा वायरस जो है वो किस तरह के चीजों को कवर करता है जो डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है यानी कि उससे बाहर हैं या फिर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन है उससे बियॉन्ड है या फिर जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की उससे परे हैं या फिर बियॉन्ड द पावर ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ओनली बताइए डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस किन चीज़ों को कवर करता है देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं डॉक्टर ना फल्टा वायरस क्या होता है सबसे पहले हम बात करते हैं एम की अब एम आपको पता है ये चार्टर ऑफ दी कंपनी है और इसके अंदर कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके अंदर डिफाइन की गई हैं कि कंपनी किस तरह से ऑपरेशंस को करेगी ठीक है और अगर कोई भी काम जो है वो इन सब ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड होता है जो कि मेमोरेंडम में डिफेंड किए गए हैं क्लॉज के अंदर उनसे भी बियॉन्ड होता है वो हमारा कहलाता है यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें है, है उससे परे अगर कोई भी चीज़ है तो वो हमारी अल्ट्रा वायरस के अंदर कवर होगी ठीक है तो ऑप्शन टू यहाँ पर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आइए सेक्शन टू सेक्शन थर्टी सिक्स ऑफ कंपनीज़ एक्ट इज़ रिलेटेड टू ये स्टैटिक क्वेश्चन है आपको लर्न करना है तो डायरेक्ट हम इसको आंसर कर देते हैं इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्पेक्टस इसके अंदर प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आ, सारे इश्यूज को डिस्क्राइब किया जाता है रिगार्डिंग एनी रूट नोटिस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और न, इसके अलग भी जो भी डॉक्यूमेंट अगर इनवाइट किए जा रहे हैं डिपॉजिट के केस में पब्लिक के लिए या फिर कोई भी इनवाइटिंग ऑफर है पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग या किसी भी शेयर के परचेज से रिगार्डिंग तो वो सारे चीज़ें हमारे प्रोस्पेक्टस में गिवन होती हैं तो ये सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टी सिक्स के अंदर डिफाइन किया गया है ओके तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हैं नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल विद रजिस्ट्रार आ कॉपी ऑफ अब एक जो जितनी भी कंपनियां हैं वो रजिस्ट्रार के पास एक फाइल करती हैं कॉपी ठीक है अग, तो वो किस चीज़ की कॉपी फाइल करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर नन ऑफ दी अब बताइए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आ, आ, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि था कि सबसे पहले वो क्या फाइल करती हैं ठीक है ठीके? क्योंकि देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम इन सबकी ही एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार को यहाँ पर फाइल करेगा इन डॉक्यूमेंट को लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्योंकि ये चार्टर ऑफ दी कंपनी है तो रजिस्ट्रार को सब कंपनियाँ एक कॉपी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की फ़ाइल करेंगी जिसके अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं कि किस तरह से कंपनी काम करेगी और किस तरह से सारी चीज़ें होंगी इसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी इसकी कैपिटल कितनी है और ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव लेके काम कर रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने स्टार्टिंग में आपको सिक्स क्लॉज बताए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा क्लॉज है जो उसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया है अगेन सिंपल क्वेश्चन है नेम क्लॉज गिवन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड लाइबिलिटी क्लॉज जो गिवन नहीं होता है वो है ज्यूडिस्टिक क्लॉज जो कि ऑप्शन सी यहां पर आए हैं बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच द मर्जर ऑफ द कंपनीज रिजल्ट इन ओवर 25% ऑफ द मार्केट इन द ऑफ द कंपनी बताइए ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहाँ पे मर्जर के समय ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा मार्केट जो है उसके हैंड में रहेगा कंपनी के गेटवे कंडीशन में रेस्ट्रिक्टिव या फिर शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट या फिर असेट टेस्ट बताइए देखिए शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसके अंदर कंपनी जब भी मर्जर करती है किसी भी कंपनी के साथ तो वो उसके मार्केट शेयर का ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा अपने हाथ में रखती है तो यहाँ पर जो राइट right आंसर होगा वो होगा शेयर ऑफ सप्लाई टेस्ट ठीक है मर्जर के टर्म समय ट्वेंटी से ज्यादा मार्केट शेयर जो होता है वो कंपनी के हाथों में रहता है नेक्स्ट आइए विच कैपिटल इज मैंशन इन दैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो कैपिटल क्लॉज दिया होता है सिक्स क्लॉज में से एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी कैपिटल वहाँ पर डिफाइन की जाती है इश्यूड कॉल्ड ऑथोराइज या फिर पेड अप बताइए देखिए कभी भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो हमेशा वो अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें हमेशा वो अपने ऑथोराइज कैपिटल के साथ ही उसको रजिस्टर्ड करती है ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके साथ कंपनी खुद को रजिस्टर्ड करती है कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक फिक्सड अमाउंट से ज़्यादा एक्सेस पे वो आगे जाके अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकती है तो उसको स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना होता है कि ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है हम इसके साथ ही अपनी कंपनी आगे रन करेंगे और अगर इन केस अगर वो आगे बढ़ाना भी चाहती है अपने या किसी भी तरह का वो इसमें चेंजेस करना चाहती है तो वहाँ पर उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ये आगे की प्रोसेस है तो यहाँ पर जो कैपिटल रजिस्टर्ड की जाती है वो यहाँ पर की जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल ठीक है तो ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी अब एक कंपनी की बात करें तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टस एंड रिपोर्ट अब देखिए एम तो आप जान गए होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बता देती हूँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है और एम हमारा आउटसाइडर के लिए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये डिफ़ाइन क्या होता है कि आपको कोई भी आ, कंपनी के अंदर जो भी काम करना है वो किस टेक्निक से करना है क्या तरीका होगा काम करने का कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है या फिर कौन कौन से मेथड हमें फॉलो करने हैं तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर होता है प्रोस्पेक्टस भी आप जानते हैं तो आप इजिली बता सकते हैं कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा देखिए यहाँ पर आ, आंसर हो जाएगा ए एक कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करना जब तक वो अपने बाहर के लोगों के साथ डील नहीं करेगा तो वो अंदर की जो भी एक्टिविटी कर रहा है उससे उसको किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा सबसे पहले उसको अपने आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसको अपने पास अट्रैक्ट करना होगा जिससे कि वो अंदर की इंटरनल डीलिंग को और भी अच्छे तरीके से करके अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये इससे ही कंपनी की ग्रोथ होती है और कंपनी की फेस वैल्यू भी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑप्शन ए यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे आता है विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड अगेन वेरी सिंपल है जब से हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो बिना किसी तरीके के ज़्यादा डिस्कशन के हम यहाँ पर आंसर करते हैं ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि हमारे आउटसाइड वर्ड के साथ हमें डील करने में हेल्प करता है या फिर हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है ओके okay? नेक्स्ट आते हैं वेन अ कंपनी डील्स इन एक्सेस ऑफ द राइट्स ग्रांटेड बाय मेमो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर एमओ देन इट इज कॉल्ड ये भी आप इजली समझ गए होंगे हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है तो क्या है इसका आंसर देखिए इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायरस क्योंकि इसमें दिया हुआ है जो एमओ ए में ग्रांटेड है उस उससे ज्यादा अगर एक्सेस में कंपनी डील कर रही है तो वो क्या है तो वो डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस है तो ऑप्शन यहाँ पे टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कंपनी टू कैरी आउट कैपिटल रिडक्शन परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अगर कंपनी कभी भी कैपिटल रिड्यूस करना चाहती है तो उसको किसकी परमिशन की जरूरत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट कोल्ड कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू या फिर कंपनी लॉ बोर्ड क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर देखिए आपको पता है कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है और वो जो वो ऑथोराइज होती है तो वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके साथ वो खुद को रजिस्टर्ड करती है तो वहाँ पर अगर वो अपने उस अमाउंट को रिड्यूस करना चाहती है कैपिटल में रिडक्शन करना चाहती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सबसे पहले कोर्ट की जो कि एन सी एल टी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उससे उसे परमिशन लेनी होगी सबसे पहले उसके बाद ही वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है तो ऑप्शन ए यहाँ टू यहाँ पर कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर कोड गिवन बिलो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है हमारा व्हेन अ प्रमोटर मूव्स द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन मस्ट अमंग अदर्स बी अकंपेन्ड बाय बताइए जब कभी प्रमोटर मूव करते हैं रजिस्ट्रार के पास कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरह की एप्लीकेशन उसको वहां पे देनी होगी एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या देना होगा बताइए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए डायरेक्टर की या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वो देना पड़ेगा या फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर्स क्या चीज़ है जो कंपनी को वहाँ पे सबमिट करनी होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ साथ देखिए इसका कोड हम नहीं लिख पाए हैं मैं एक बार आपको यहाँ पे कोड और लिख देती हूँ देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका कोड है वन एंड टू सेकंड जो ऑप्शन है उसका कोड है यहाँ पर टू एंड थ्री थर्ड जो ऑप्शन है हमारा इसका कोड है यहाँ पर सेकंड एंड फोर्थ एंड फोर्थ जो ऑप्शन है उसका कोड है हमारा थर्ड एंड फोर्थ तो बताइए देखिए एप्लीकेशन के साथ साथ उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देना होता है साथ ही साथ डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट भी देनी होती है तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं तो ऑप्शन वन एंड टू यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वन एंड टू ये दोनों ही चीजें जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ देने के लिए ठीक है तो और यहाँ पर वन आंसर हमारा राइट right है ऑप्शन वन एंड टू ओके क्लियर है नेक्स्ट आइए नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाय अब अगर कोई भी कंपनी जैसे कि हमने डिफा वहाँ पर डिस्कस किया था एम के अंदर नेम क्लॉज होता है तो अगर उस नेम क्लॉज में जो भी नाम मेंशन है उसको वो चेंज करना चाहती है तो वो किस तरह चेंज कर सकती है एक ऑर्डनरी रेजोल्यूशन से स्पेशल रेजोल्यूशन से यानी या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से या फिर कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल उसको चाहिए होगी बताइए क्या होगा इसका आंसर देखिए कभी भी कंपनी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो चाहिए ही साथ ही उसको एक इसके साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा तो यहाँ पर ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन तो कराना ही है जिससे कि वो सबको बता सके कि वो इसको नाम चेंज कर रही है साथ ही साथ उसको अप्रूवल भी चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऑप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट आइए अगर कभी भी कोई भी कंपनी यानी कि अपने जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस करना चाहती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा उसकी जो ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा या फिर कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी या फिर जो भी शेयर कैपिटल की पेड अप अमाउंट है उसको पेइंग ऑफ करना पड़ेगा विच इज़ इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट या फिर कैंसिल करने पड़ेंगे उसके पेड अप शेयर कैपिटल को विच हैज़ बीन लॉस्ट ओवर द ईयर्स बताइए क्या लगता है अगर कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए देखिए अगर हम ये बात करें तो ये हमारा कंपनीज एक्ट नाइनटीन के सेक्शन 100 में डिफाइन किया गया है जबकि अब हमारा कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड अप्लाई होता है तो वहाँ पर ये अलाउ किया गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है लेकिन उसकी कुछ सर्टेन सरकम हैं जैसे कि अगर वो इस सेक्शन के थ्रू कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको पे ऑफ करती है जो भी उसके पेड अप कैपिटल है तो वहां पर उसको कंपनी की जो एक्सेस रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू उसको अप कैपिटल वहां पर पे करनी पड़ेगी यानी कि वहां पर उसको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पेइंग ऑफ कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल विच इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट ओके तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो क्लॉज होते हैं वो कितने होते हैं वो बताने हैं आपको सिक्स फाइव फोर एंड थ्री तो सिंपल है ये सिक्स क्लॉज होते हैं अब वो सिक्स क्लॉज कौन कौन से हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप में से किसी को भी याद है वो छह क्लॉज स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मैं वो सारे आपको कर चुकी हूँ तो आप बता दीजिएगा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं रखती है बताइए ऑप्शन हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर या फिर प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर देखिए यहाँ पर हम कैपिटल क्लॉज में ये चीज़ तो डिफाइन की जाती है साथ ही साथ यहाँ पे नंबर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स भी डिफाइन किए जाते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स भी डिफाइन की जाती है लेकिन प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ये डिफाइन नहीं किया जाता है क्योंकि ये पार्ट है हमारे एओए का ठीक है तो ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज है ये जो प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस में मिल सकता है ए ओ में ना होकर ये प्रोस्पेक्टस में डिफाइन किया जाएगा क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये बताया जाएगा कि कंपनी किस तरह से अलॉट करेगी क्या अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा ए ओ यहाँ पर आप काट दीजिएगा प्रोस्पेक्टस कर लीजिएगा ये प्रोस्पेक्टस के अंदर डिफाइन किया जाएगा कि कंपनी के अलॉटमेंट का प्रोसीजर किस तरह का होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अ चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी अफेक्टेड बाय अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को एक जगह से दूसरी जगह बनाती है या चेंज करती है तो वहाँ पर क्या अफेक्ट होगा बताइए अ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अ स्पेशल रिजोल्यूशन अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड आंसर करिए देखिए पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर अब ये कैसे होगा देखिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना ही पड़ेगा पब्लिक के लिए साथ ही साथ उसको अप्रूवल भी चाहिए होगा कंफर्मेशन भी चाहिए होगा कंपनी लॉ बोर्ड से उसके बाद ही वो इस तरह के चेंजेस कर सकता है अगर वहां पर उसको अप्रूवल मिल जाता है तो उसके साथ उसे स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा जिससे कि वो पब्लिक को ये बता पाए कि अब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है और वो आगे इस रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू ही सारे वर्क किए जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन फोर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आइए विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन लियू प्रोस्पेक्टस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगेन ये भी सिंपल है मैंने बताया था एम ओ ए चार्टर ऑफ द कंपनी होता है जिसके अंदर कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का स्कोप इसके अंदर डिफाइन किया जाता है इसलिए ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि एम ओ ए से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा अगर आप थोड़ा भी इसका रिविज़न करते हैं तो आप ईजिली इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं ठीक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं क्योंकि ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एग्जामिनर या जो भी आपके पेपर सेट करते हैं वो खुद चाहते हैं कि आप इजीली स्कोर कर लें अच्छा सा तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है so auditors, या फिर क्या होगा आंसर एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है ये किस में बताया गया जाएगा और किसके द्वारा ऑथराइज होगा अगेन सिंपल है एम के द्वारा क्योंकि एमओए हमारे पब्लिक के लिए और ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं जिससे कि अगर पब्लिक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उसे पता होना चाहिए कि हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फर्दर किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है या वो इन्वेस्ट करती भी है या नहीं तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को पता होनी चाहिए तो ये एम के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा उसके द्वारा अर्थोराइज होगा कि कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेबल ए ऑफ़ दंपनीज एक्ट गिव मॉडल ऑफ अब टेबल ए जो है वो क्या बताती है बैलेंस शीट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले आप ये जानिए कि टेबल ए होता क्या है देखिए टेबल ए जो होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो डिफ़ाइन किए जाते हैं कि कंपनी किस तरह से काम करेगी क्या इसके रूल्स होंगे किस तरह का रेगुलेशन चलेगा इसके अंदर तो ये जो होते हैं वो इंटरनल पार्ट होते हैं अब आपको इसमें से देखने में ऑप्शनस में ईजिली आप पता कर सकते हैं देखिए ये इंटरनल पार्ट नहीं है बैलेंस शीट बिल्कुल कट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अगेन ये क्या है सब पॉइंट है मेन पॉइंट क्या है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो अडॉप्ट करता है टेबल ए को टेबल ए के सारे प्रोविजंस को जिसके अंदर ये सारी चीजें मॉडिफाई की जाती हैं और कंपनी किस तरह से काम करेगी और अगर यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग अब टेबल एफ जो है वो इसकी जगह काम करती है यानी टेबल ए की जगह अब कौन सा काम करता है टेबल एफ टेबल एफ हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मॉडल देता है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए वो सॉरी ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नेक्स्ट आइए ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ दम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी ऑल्टर्ड बाय एमओए का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो ऑल्टर किया जा सकता है किससे आपने एक चीज़ नोट की है जब भी हम एम में किसी भी तरह के ऑल्टरनेशन की बात करते हैं तो सब में हमें स्पेशल कन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी लॉ बोर्ड से और साथ ही साथ स्पेशल रेजोल्यूशन भी हमें पास करना है इसलिए ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती हैं हमें अपनी पब्लिक को बताना होता है कि हम इसमें चेंज कर रहे हैं हमें स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है क्योंकि पब्लिक ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है इसलिए उनको सारी चीजें बताना आवश्यक होता है इसीलिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे और कंपनी लॉबोर्ड से इसका कंफर्मेशन भी लेंगे ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जब उसका मन करे वो उसमें चेंज कर दे ओके नेक्स्ट देखिए द एक्शन ऑफ कंपनी विल बी अल्ट्रा वायरस इफ दे आर नॉट परमिटेड बाय फॉलोइंग बताइए वायरस का जो एक्शंस हैं वो परमिट नहीं किया जा सकता किसके द्वारा सिंपल है एमओए में जो डिफाइन किया गया है वो जो डिफाइन किया गया है उसके ही तो ये बात करता है तो ये परमिट नहीं कर रहा कौन परमिट नहीं कर रहा एमओए ऑप्शन ए यहाँ पे सिंपल राइट आंसर हो जाए नेक्स्ट है स्पेशल रेजोल्यूशन किसमें जरूरी नहीं है

टॉपिक आपका एम वाला क्लियर हो गया होगा इसके अलावा कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मेरे किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी लगा हो कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई भी आंसर आपको रॉन्ग लगे हो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर बताइएगा ठीक है और इसके अलावा कोई और भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं सबके आंसर करूँगी और इसके साथ ही साथ हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रोस्पेक्ट्स पे भी करेंगे और आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय